आज देश भर में मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में आस्था का सैलाब, भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का शुभारंभ, भव्य रोशनी से जगमग। दुल्हन की तरह सजा साईं बाबा मंदिर के दरबार, साईं बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक निकाला गया जुलूस, नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचे रिकॉर्ड भक्त, अब तक 1,14,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 4 जुलाई से शुरू हो रहा सावन का पावन महीना, 10 जुलाई को पड़ेगा सावन का पहला सोमवार। इस बार 59 दिनों का रहेगा सावन का महीना। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार, सफल कांवड़ यात्रा के लिए गंगा आरती की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम, जंगली जानवरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए 23 टीमों का गठन, 24 घंटे टीमें करेंगी पेट्रोलिंग। सावन के चलते रेलवे का अहम फैसला, भागलपुर फूड प्लाजा में पूरे सावन नहीं मिलेगा नॉनवेज, यात्रियों के लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में प्रशासन की बड़ी बैठक, भक्तों की सुरक्षा के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर मंथन। आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा बर्फानी के दरबार में पहले दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे महादेव के दर्शन किए। इस साल पूरे 62 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा, प्रशासन की मुस्तैदी। अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनी माउंटेन रेस्क्यू टीम, 34 यात्रियों को ऑक्सीजन जैसी मदद को लेकर अस्पताल कराया था। श्रीनगर में पर्वतारोहियों के लिए देवदूत बने वायुसेना के जवान, थाजबास ग्लेशियर से 2 सैलानियों को रेस्क्यू किया। श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही शुरू हो सकती है अयोध्या से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट, तेजी से चल रहा एयरपोर्ट का काम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में टेम्पल वर्कशिप ट्रेनिंग कैंप का आयोजन, पुजारियों को गायत्री मंत्र, ध्यान श्लोक, पूजा पद्धति की जानकारी दी गई। राजस्थान के करौली में जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 टीम को किया गया सम्मानित, डूंगरपुर शील्ड प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में नौजवानों ने शुरू की कल के लिए जल उत्सव यात्रा, लोगों को भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए तैयार करना मकसद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया जा रहा, डीजीपी ने लोगों को बताया कि लोग इस अपराध को किस तरह से रोक सकते हैं। 26 जुलाई को मनाए जाने वाले 24वें करगिल विजय दिवस के लिए विशेष तैयारियां, भारतीय सेना ने कोहिमा से करगिल तक बाइक रैली का शुभारंभ किया। सेना की बाइक रैली 8 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी, करीब 3700 किलोमीटर। वाराणसी की महिला डॉक्टर का अनोखा कदम, अपने नर्सिंग होम में बेटियों के जन्म पर फ्री डिलीवरी। श्रीनगर में दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और विकेटकीपर ऋचा घोष ने रखा बाहर।